सर अजीजी साहब का सेगमेंट शुरू हो गया। इसका कौन सा सेगमेंट है? बहुत अच्छे, यानी तुम्हें मैं बिल्कुल फजूल सा बंदा हूं यार। ये कूलर लगा हुआ है इधर, क्या अजीजी बैठा हुआ है? एक ही बात है सर। मुखबरनामा। अच्छा, सबसे कीमती चीज मैं पेश करने लगा हूं। अच्छा चलो सुनाओ। लाजी मुखबरी ये है जनाब, दो को हफ्ते पहले पाकिस्तान के काफी सियासतदान ये वाला गाना गा रहे हैं, परदेश जाके परदेसिया भूले न जाना पिया। और मुखबरी सुनाओ, क्या गुलूकारी शुरू कर दी है? मुखबरी सुनाओ। ये क्या किया? तुम्हारा निशाना कैसा है? मेरा निशाना बहुत आला। ये उठा के इसके मुंह पे मारो। मैं क्यों मारूं? मार दो, तुम्हारी मेहरबानी। नहीं मैं नहीं, ये काम आप खुद ही करें। मुझे टीवी से निकाल देंगे ना? तो मुझे नहीं निकालेंगे। तो तुम निकल जाना, फिर क्या है? देखिए जरा, तौबा। अब मुखबरी सुनाए। यार खुदा के वास्ते मेरी मुखबरी में ना बोला करो, मैं पागल हो जाता हूँ। हो जाता हूँ, चलो सुनाओ। लाजी ये जो मैंने सिंबॉलिक गाना सुनाया है ना, सिंबॉलिक, परवेज मुशर्रफ साहब के जो क्लोज साथी हैं वो ये गाते गाते दुबई पहुंच गए। उनके सामने जब पहुंचे तो मुशर्रफ साहब ने कहा, बंद करो गाना, बेसुरे हो, कूड़ो बताइयो, क्यों गा रहे हो ये गाने? उन्होंने कहा, फिक्र ना करो, मैं अब वापस आ रहा। इस सिलसिले में मेरा मुखबर ये बताता है कि ये जो गाना गाते गाते पहुंची है ना, इसकी वजह क्या है? मुशर्रफ साहब को अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हरी झंडी हो गई है वापसी के लिए। जी जनाब, उन्होंने कहा है आपको सेफ पैसेज देंगे, आप तशरीफ लाएं। अच्छा, ग्रीन सिग्नल मिल गया। यार ये जो मैंने हरी झंडी कहा, इसका क्या मतलब है? जब रेलगड्डी को हरी बत्ती दिखाते हैं तो वो कैसे दौड़ती आती है? अच्छा, अगर तुम अपने हाथ यूं कर लो तो नहीं सुना सकते मुखबरी? कोशिश करता हूँ, मैं पक्का नहीं कह सकता। पक्का नहीं कह सकता। लो जी, उन्होंने जनाब उनको कहा है कि जब मैंने कहना आ जाए तशरीफ ले आए, तो इसको क्या कहूँ? तो जुबान तशरीफ ले आए, मेरे हाथ ना बांधो यार। लो जी मुशर्रफ साहब अब तैयारी पकड़ चुके हैं। ओहो। और मेरे मुखबर के मुताबिक अगले को 15 दिनों में वो अपनी वापसी का लाहया अनाउंस करेंगे। अच्छा, देख लो, बहुत बड़ी मुखबरी दे रहे हो यार। अगे ये कुछ छोटी मुखबरियां सुनाता है? नहीं नहीं, वाकई ये बहुत अहम मुखबरी है। बढ़ता कि नहीं इधर? वाह ये वाह। अब वो इकट्ठा बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट मुखबरी सुनाए। वाह ये वाह, चले दौड़ो। लो जी अगली मुखबरी ये है कि जिला टंडो मोहम्मद खान की एक तहसील है टंडो गुलाम हैदर। अच्छा, उधर एक माजूर अफराद की फलाह बहबूद और उनको हुनरमंद बनाने के लिए एक अदारा कायम हुआ, उसका नाम है मुमताज ट्रेनिंग सेंटर। सही। इसका अफ्तिताह कोई 11-12 साल पहले उस वक्त के वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था। हाय 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 जी तेरे दुख। लो जी, इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए वहां के एक वली मोहम्मद कश्मीरी साहब थे जिन्होंने 3,000 square feet जगह डोनेट कर दी थी। बढ़ाओ कोई बात नहीं, बड़ा अजीम काम और नेक काम है ये। लो जी 2005 में जिला हैदराबाद की तकसीम से कयाम पीर होने वाले जिले टंडो मोहम्मद खान की जिलाई हुकूमत ने 2 crore rupees इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए मुख्तस किए। सही। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक ये ट्रेनिंग सेंटर मुकम्मल हो चुका है और 2 crore rupees लागत आ चुकी है। अच्छा। जबकि अगर आप बनफ्से नफीस उधर तशरीफ ले जाए, ट्रेनिंग सेंटर को ही नहीं सिर्फ पिलर खड़े हैं, यानी सिर्फ बुनियादें पर ही गई हैं। और उसका खर्चा अगर बहुत भी खुला हाथ लगा के लगाए ना जी, को 50 lakh होगा, मगर 2 crore rupees बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक लग चुका है। कहा यह जाता है कि ये जो 1.5 crore उतला है ना, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्डिंग है ना टंडो मोहम्मद खान के, मुख्तियार सोमरो साहब, और इस प्रोजेक्ट के जो ठेकेदार हैं
नियाज पठान साहब वो को 1.5 करोड़ के गोल गप्पे खा गए हैं। क्या हो सकता है यार, ऐसी कोई हैरानगी वाली बात नहीं होती। गोल गप्पा तो सस्ता ही होता है, उसमें जो छोले डालते हैं ना, और उसको जो परते हैं वो खट्टे के साथ, बहुत महंगा खट्टा हो गया हुआ आज। लो जी अगली मुखबरी ये है कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा भाई हुआ है यार। बिल्कुल, जरा ध्यान से मुखबरी सुनाइएगा। ध्यान से क्या, सोफा पकड़ लो आने वाले हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने चंद करीबी दोस्तों में बैठ के ये बात की, कहते हैं बात सुनो, ये जो नवाज शरीफ साहब दबे लफ्जों में मुझे डराने की कोशिश करते हैं ना, मिड टर्म इलेक्शन हम नहीं चाहते, ये है वो है। एक बात याद रखना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हामी इस मिड टर्म इलेक्शन का मैं खुद हूँ। अच्छा, दोस्त बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा यार बात तो बड़ी अजीब सी कर रहे हैं जरदारी साहब। कहते हैं बात सुनो, सदर इस मुल्क का मैं हूँ, मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो मुझे होना है। क्यों? नगरान सेटअप सारा मैंने लेके आना है, इलेक्शन मैंने करवाने हैं अपनी निगरानी में। इस किस्म की मैंने लीड लेनी है कि नवाज शरीफ क्या सारे याद रखेंगे कि हैं ये क्या हुआ, है इतनी बड़ी लीड ये उन्होंने ली यारदारी साहब ने बीच में किया है, ये तो मैं परफॉर्म करके बताया। मुखबिरी दे रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो जरदारी साहब। देखा मैंने कहा था ना जरा ध्यान से मुखबिरी दे। यार ये मुखबिरी काट देना भाई, मुझे लगता है कि ये तुमने गलत गुलत कर दिया और मुझे कहीं से पांजा पड़ गया। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप पहले से क्यों नहीं ध्यान रखते इन मुखबिरों का? तुम दोनों मिलके मुझे गिरफ्तार तो नहीं करवाना चाहते? नहीं, मुझे सही बता दो।